नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बीच करहल विधानसभा सीट का माहौल अब दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव आज मैनपुरी के कस्बा करहल पहुंची हैं, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनावी कार्यालय का सपा नेता डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की मौजूदगी में फीता काटकर उद्घाटन किया है। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर सांसद डिंपल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि करहल विधानसभा का यह उपचुनाव आगामी वर्ष 2027 की दिशा तय करेगा। ऐसे में कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ करहल विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाए। वहीं दूसरी ओर पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर करहल विधानसभा में अपना परचम लहराएगी। कार्यकर्ता पूरी दमखम के साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए लामबंद रहे। उद्घाटन के दौरान MLC मुकुल यादव, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव, ब्रिज कुमार यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल नईम, जितेंद्र यादव, डिम्पल, सत्य प्रकाश यादव, एडवोकेट सुमेरु जैन, आशीष यादव, रणवीर सिंह यादव, उमेश यादव, तोरिका वाले आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सांसद डिंपल यादव और सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। संवाददाता राम किशोर वर्मा की खास रिपोर्ट। जिस तरह मैनपुरी की जनता ने और करहल के सभी लोगों ने नेताजी का मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया, और मैं समझती हूँ नेताजी का लगातार आशीर्वाद हम सभी पे कायम है, और जिस तरह के चुनाव परिणाम 2024 में आए तो अब बताइए क्या परिणाम आए, और क्या कहा गया था कि 80 में से 80 सीटें आ रही हैं, लेकिन लगातार ये भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने का काम करती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अब सभी समाज के लोग और सभी वर्ग इनकी झूठी बातों को समझ चुके हैं, और जो भ्रम की राजनीति करते हैं और जो भेदभाव की राजनीति करते हैं और जो उत्पीड़न की राजनीति करते हैं, तो मैं समझती हूँ सब लोग मिलकर इन 9 के 9 विधानसभा चुनाव में इनको एक बार फिर से शिकस्त देने का काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी का जो परिणाम आएगा वो एक तरह से 2027 के चुनाव की भी राह दिखाने का काम करेगा। और क्योंकि लगातार चुनाव हो रहे हैं मैनपुरी में और करहल विधानसभा क्षेत्र में, तो कोई कमी भी नहीं रहेगी, और अगर कोई कमी रहती है तो उसका आकलन बड़ी गंभीरता के साथ किया जाएगा कि कोई भी बूथ में अगर कहीं भी कमी रहती है, क्योंकि हमें पता है कि किन बूथों में वोट पड़ा है, किन बूथों में वोट नहीं पड़ा है। और यह करहल की जो विधानसभा की जो सीट का जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है हम सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश को भी ये संदेश देने का काम करेगा यह चुनाव। तो बूथ बूथ में कितनी परसेंटेज, कितना प्रतिशत वोट पड़ा है हमारा, इस पे कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी, और कहाँ कम वोट होगा। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन, सभी लोग एकजुट होके इसमें कार्य करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि करहल से हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सब यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।